दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिलिप लार्किन की एक बहुत ही फेमस पोएम टूट्स। दोस्तों ये जो पोएम है द लास्ट डिसीव्ड नाम के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। बहुत ही फेमस पोएम है। टूट्स का मतलब, टाइटल का मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है मेंढक। इस पोएम में फिलिप लार्किन ने एक मॉडर्न आदमी और उसके काम के बीच में रिलेशनशिप को बताया है, लेकिन इस टाइटल को देख कर लगता तो नहीं, क्योंकि इसमें तो टूट्स बताया है। अब आप ये कहोगे कि ये क्या रिलेशन है एक आदमी के काम और टूट्स के बीच में। तो दोस्तों आगे हम जब पोएम पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। शुरू करते हैं। फिलिप लार्किन दोस्तों एक मॉडर्न पोएट थे और इस पोएम को पढ़कर ऐसा लगता है उन्होंने एक मॉडर्न आदमी के लिए इस पोएम को लिखा है। 9 स्टैंजास की ये पोएम है। अब मॉडर्न आदमी के लिए क्यों इस पोएम को लिखा है, क्योंकि दोस्तों एक मॉडर्न आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है अपने काम से। जो काम वो करता है वो सोचता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस काम से, बस बिल्स को पे करने के लिए काम कर रहा हूँ, दूध का बिल, अखबार का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, और मैं इस काम को छोड़ भी नहीं सकता। दूसरे मुझसे अच्छा कमाते हैं, वो सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं, जबकि मैं एक गधे की तरह काम करता हूँ, उनसे ज़्यादा काम करता हूँ, लेकिन मुझे वो पेमेंट नहीं मिलता। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी वो भूखे नहीं मरते। तो ये मैंने पूरा स्क्वीज़ करके पोएम को बताया आपको, लेकिन ये पोएम जब पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा दोस्तों हमको। तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट स्टैंजा है इस पोएम का। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ टूट का मतलब क्या होता है। टूट का मतलब वैसे दोस्तों एक मेंढक होता है, लेकिन फिलिप लार्किन ने यहाँ पर शुरुआती लाइनों में क्लियर नहीं किया है कि क्यों उन्होंने इस टाइप का टाइटल सेलेक्ट किया। बस शुरुआती लाइनों में ऐसा बोलते हैं, व्हाई शुड आई लेट द टूट वर्क स्क्वाट ऑन माय लाइफ। इसका मतलब ये है वो अपने काम को टूट बोल रहे हैं कि क्यों ये टूट वर्क, मतलब वो जो हैवी काम कर रहे हैं उसको टूट वर्क बोल रहे हैं, अपनी लाइफ चलाने के लिए जो वो काम कर रहे हैं। तो एज अ मेटाफर यहाँ पर यूज़ किया है टूट को अपने काम के लिए। तो ये काम एक मोटे से मेंढक की तरह मेरी लाइफ के ऊपर बैठ गया है, क्यों ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, ये है इस लाइन का मतलब। और आगे बोलते हैं, कांट आई यूज़ माई वेट एज अ पिच फॉर्क एंड ड्राइव द ब्रूट ऑफ। मतलब मैं अपनी वेट को, अपनी बुद्धि को, समझ को एक वेपन की तरह, पिच फॉर्क एक टाइप का वेपन होता है, वेपन नहीं होता है दोस्तों, एक इक्विपमेंट होता है, औजार टाइप का, जो नुकीला सा होता है, डंडा घास हटाने के लिए, सूखी घास हटाने के लिए। वो पूछते हैं क्या मैं इसका यूज़ करके इसको हटा नहीं सकता क्या अपनी लाइफ से, इस टूट वर्क को जो मेरे ऊपर बैठ गया है। 6 days ऑफ अ वीक इट सॉइल्स विद इट सिकनिंग पॉइजन। इस लाइन का मतलब ये है कि हफ्ते के 6 दिन में काम करके अपने इन महंगे दिनों को मिट्टी में मिलाता हूँ, और ये इस काम को पॉइजन से कंपेयर कर रहे हैं, सिकनिंग पॉइजन, जस्ट फॉर पेइंग अ फ्यू बिल्स, कुछ बिलों को भरने के लिए, मतलब कुछ बिल्स को पे करने के लिए मैं काम करता हूँ, कोई फेमस होने के लिए काम नहीं करता। दैट्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और इस काम को करने में ज़्यादा पैसा मुझे नहीं मिल रहा, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई प्रोपोर्शन नहीं है इस काम को करने में, ये टोटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। लॉट्स ऑफ फॉक लिव ऑन देयर विट्स। मतलब बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, लॉट्स ऑफ फॉक लिव ऑन देयर विट्स का मतलब जो अपना दिमाग चलाकर पैसा कमा रहे हैं, जैसे कॉलेज लेक्चरर्स जो 1 घंटे का लेक्चर देते हैं कॉलेजेस में और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। लिस्पर्स इसका मतलब स्पीकर्स, लॉ सेल्स, लॉबलली मैन, लाउड्स, ये सारे के सारे। लॉ सेल्स का मतलब वर्थलेस टाइप के लोग, लॉबलली का मतलब फूलिश टाइप के लोग, ये सारे के सारे अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। दे डोंट एंड एज पॉपर्स, और इनका एंड भी गरीबी में नहीं होता कि ये गरीबी में मरे, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारते हैं और एंड भी इनका ठीक ठाक होता है। नेक्स्ट स्टैंजा में बोलते हैं, लॉट्स ऑफ फॉक लिव अप लेन्स। मतलब वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लेन्स यानी गलियों में रहते हैं, सड़क किनारे फुटपाथ पर सोते हैं, विथ फायर्स इन अ बकेट, जिनके पास चूल्हा नहीं होता, एक बकेट के अंदर वो आग जलाते हैं जिसके अंदर कुछ पका भी लेते हैं, उसके सामने खुद को सेकते भी हैं गर्म रखने के लिए खुद को। तो ईट विंड फॉल्स, मतलब हवा चलती है तो पेड़ों से फल गिरते हैं तो वो खा लेते हैं। एंड टेंट सार्डिन्स, सार्डिन्स एक टाइप की मछली होती है, डिब्बा बंद मछली, टेंट का मतलब डिब्बा बंद मछली, तो वो भी खा लेते हैं। तो ऐसे लगता है दी सीम टू लाइक इट, ऐसे लगता है ये लोगों को ऐसी लाइफ पसंद है, इन लोगों को भी कोई टेंशन नहीं है लाइफ के अंदर। नेक्स्ट स्टैंजा में बोलते हैं, देयर निपर्स हैव गॉट बेयर फीट। बेयर फीट का मतलब नंगे पाँव, निपर्स का मतलब बच्चे, तो इन लोगों के बच्चे यहाँ वहाँ नंगे पाँव भागते रहते हैं। देयर अनस्पीकेबल वाइफ्स, इनकी वाइफ्स जो कि अनस्पीकेबल है, जिनके बारे में बात नहीं की जा सकती, आर स्किनी एज व्हिपेट्स,
इसका मतलब ये है, मतलब इनकी वाइफ जो अनस्पीकेबल होती है वो एक कुत्ते की ब्रीड होती है दोस्तों, विपेट्स, उनकी तरह पतली होती है, इतनी स्किनी होती है क्योंकि उनको डाइट ही अच्छी नहीं मिलती। और आगे बोलते हैं, एंड येट नो वन एक्चुअली स्टार्व्स, तब भी इन लोगों में से कोई भूखा नहीं मरता, फिर भी ये लोग अपनी ज़िंदगी निकाल लेते हैं। आगे बोलते हैं, वर आई करेजियस इनफ टू शाउट स्टफ योर पेंशन। इन लाइनों का मतलब ये है कि काश मेरे पास इतनी हिम्मत होती कि मैं अपने बॉस को जाकर चिल्लाकर बोल पाता कि स्टफ योर पेंशन। लेकिन लार्किन नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, ऑल टू वेल, अच्छे से जानता हूँ इस बात को, दैट इज़ द स्टफ दैट ड्रीम्स आर मेड ऑन, और यही वो स्टफ है जिस पर ये सपने टिके हुए हैं, इस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ। नेक्स्ट लाइन में पार्ट बोलते हैं, फॉर समथिंग सफिशियंटली टूड लाइक स्क्वाट्स इन मी टू, मतलब सिर्फ बाहर ही नहीं, पार्ट कहते हैं उनके खुद के अंदर भी एक टोड बैठा हुआ है। स्क्वाट्स एंड मी मतलब इंटरनली भी उनके अंदर एक टोड बैठा हुआ है। इट्स हंकर्स, उसकी थाई, पैर, वो बहुत ही हैवी हैं एज हार्ड वर्क, एंड कोल्ड एज स्नो, और बर्फ की तरह कोल्ड हैं, तो मेरे अंदर भी एक टोड बैठा हुआ है, ऐसा बोलते हैं यहाँ पर पार्ट। एंड विल नेवर अलाउ मी टू ब्लार्निंग, इस लाइन का मतलब ये है कि ये टोड अलाउ नहीं करेगा कि मैं ठीक से बोल पाऊँ, लोगों की चापलूसी कर पाऊँ, ब्लार्नी का मतलब चापलूसी कर पाऊँ, माई वे ऑफ गेटिंग द फेम एंड द गर्ल एंड द मनी, ये सब चीज़ें जो मैं पाना चाहता हूँ, फेम, गर्ल यानी प्यार और पैसा, मनी, तो ये सब चीज़ें मुझे मिलेगी नहीं ऑल एट वन सेटिंग, बैठे बैठे तो मिलने नहीं वाली, और ये चीज़ें करने से वो टूट मुझे रोकता है। और नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा में पार्ट बोलते हैं, आई डोंट से, लेकिन मैं ये नहीं कहता, वन बॉडीज टू अदर वंस स्पिरिचुअल ट्रुथ, मतलब एक ने दूसरे टोड को, बाहरी टोड को बनाया है, मेरे अंदर की एक टोड ने बाहरी टोड को बनाया है, बट आई डू से इट्स हार्ड टू लूज आइदर व्हेन यू हैव बोथ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इन दोनों में से किसी एक को भी खोना हार्ड होगा, क्योंकि ये दोनों ही मेरी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जिसमें से अगर मैं एक से भी पीछा छुड़ा लूँ तो दूसरा मौजूद है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।